गाड़गेनगर थाना की पीआई आसाराम चोरमोले के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम ने विलासनगर में छापा मारकर 63,000 की अवैध देसी शराब बरामद की। पुलिस को सूचना मिली थी कि घर के बरामदे में पलंग के नीचे छिपा कर रखी 63,000 का माल जब्त। आरोपी जहां अवैध शराब का धंधा कर रहा था, वह मकान किशोर महावीर पटेल का है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की थी। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने से राज्य सरकार ने कड़े निर्बंधों के तहत मिनी लॉकडाउन लागू किया है। सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस को खुली छूट दी है। यहां तक कि राज्य के पुलिस महासंचालक संजय पांडे ने भी डंडे बरसाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के पहले दिन शहर पुलिस ने बेवजह घूमने वाले नागरिकों पर डंडे बरसाए और वाहन चालकों को चालान थमाकर दंडित किया, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। शुक्रवार को मनपावा पुलिस ने संयुक्त रूप से गांधीगिरी का परिचय देते हुए बेवजह घूमने वालों की रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाई। पुलिस व मनपा को देखकर कई वाहन चालकों ने दूर से ही रास्ता बदल लिया, फिर भी 100 से अधिक पुलिस की पकड़ में आए। अमरावती शहरामध्ये सेकंड वेव जी आहे ती सुरुवात झाल्यापासून खूप जास्त प्रमाणामध्ये पेशंट्स आपल्याकडे आढळत होते। त्यानंतर हे आपण ज्यावेळेस लॉकडाऊन केलं त्यानंतर हे प्रमाण कमी झालं होतं, परंतु आता परत शहरामध्ये आणखी पेशंट वाढत आहेत। महाराष्ट्र शासनानं जे काही लॉकडाऊन डिक्लेअर केलेलं आहे त्या लॉकडाऊनचं तंतोतंत पालन नागरिकांनी केलं पाहिजे, आणि त्या अनुषंगानं जे विनाकारण नागरिक फिरत आहेत शहरामध्ये किंवा चुकीचे कारण दाखवून जे काही शहरामध्ये सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन केलं जात नाही किंवा मास्क घातले जात नाही आणि अनावश्यक जे लोकं बाहेर फिरत आहेत, तर त्या लोकांना रस्त्यावरती आपण अशा चौकाचौकामध्ये आपण व्यान ठेवून बऱ्यापैकी त्यांना पकडून आपण त्यांचे अँटीजेन टेस्ट करत आहोत आणि त्यात जे पॉझिटिव्ह येतील आपण त्यांना भविष्यामध्ये आपण त्यांना क्वारंटाईन सेंटरला देखील शिफ्ट करणार आहे। त्यामुळं माझी सर्व अमरावतीकरांना विनंती आहे की विनाकारण आपण कृपया पुढील 15 दिवस जे महाराष्ट्र शासनानं लॉकडाऊन डिक्लेअर केलेलं आहे या लॉकडाऊनचं पालन आपण करावं आणि अत्यंत आवश्यक असेल अशाच परिस्थितीमध्ये घरातून बाहेर पडावं। इस समय अमरावती जिले में पहले ही तुलना में भले ही कोविड संक्रमण मरीजों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, किंतु इन दिनों अमरावती शहर से जिले के निजी व सरकारी कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में नए मरीजों को भर्ती करने हेतु बेड की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों नागपुर सहित अन्य कुछ जिलों और बाहरी राज्यों के मरीजों को वहां पर अस्पतालों में हाउसफुल की स्थिति हो जाने की वजह से अमरावती के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसे में अब अमरावती के सरकारी सहित निजी अस्पतालों में हाउसफुल वाले हालात दिखाई देने लगे हैं। कोरोना महामारी ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर डाला, वही आस्था और श्रद्धा के केंद्र भी इससे अछूत तो नहीं रहे। कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद है और हाल ही में रमजान महीने की शुरुआत हो चुकी है। फलों की कीमतों में भारी उछाल आने की वजह से नागरिकों को परेशानी हो रही है। आस्था पर महंगाई भारी पड़ने लगी है, ऐसा लोगों का कहना है। रमजान महीना शुरू होते ही हर रोज फलों की खरीदी व्यापक प्रमाण में होती है, जिसकी दुकानें शहर में रास्तों पर सजने लगी है। इन फलों की दुकानें पर देश में उत्पादित फलों के अलावा बाहर देश से भी फल आता है, जिसमें सऊदी अरब का खजूर मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ है।